हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनके साथ कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है आज, वो आई है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं, जो हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम वगैरह में पूछ सकती है। सबसे पहली बात यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया है इसके लिए, फंड वगैरह के लिए। तो आपके लिए आप एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के चेयरमैन कौन होते हैं। देखो, इस बॉडीज के बारे में हम काफ़ी बार में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसके चेयरमैन कौन है। ये तो था कंटेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। आगे बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके तहत हमारे देश में 3 साल में 15 लाख जॉब के जो मौके हैं, अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तैयार की जाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया इस प्रकार जाएगा कि भाई गवर्नमेंट है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम चलाएगी। मतलब गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स जो भी लोग वगैरह उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ताकि वो अपना बिजनेस वगैरह है उसको प्रमोट कर सकें। ये इसमें काम होगा कि भाई जैसे किसी ने 10 लाख का लोन लिया तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे देगी कि भाई आपको इसके लिए 2 लाख की सब्सिडी मिल रही है, 3 लाख की। इसलिए तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इसमें क्रेडिट लिंकेड सब्सिडी बेनिफिट प्रोग्राम है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको रोजगार देगी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है। देखो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, वो इसकी एक नोडल एजेंसी है सेंट्रल लेवल पे। इसी के साथ स्टेट लेवल पे देखा जाए तो वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है स्टेट लेवल पे, वो इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग बॉडीज हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी छोटी मोटी जो बॉडीज हैं वो बनेगी, ताकि ढंग से एक तरह से इसकी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सब बनी रहे। काम क्या होगा, काम जैसे इसका ये होगा कि भाई एक तो लोगों को यूथ है उसको रोज़गार वगैरह का इशू ना हो, वो अपना रोज़गार खुद क्रिएट कर सकें। इसके साथ ही क्या होगा कि कुछ एरिया वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो जो बैकवर्डनेस है उसको आगे लेके जाएगा। इसके साथ ही लोगों को रोज़गार है वो भी मिलेगा। तो ये इसका मेन मोटो रहेगा, होगा क्या इसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट किया जाएगा, ना कि गवर्नमेंट कोई रोज़गार वगैरह देने वाली है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, आपको मालिक बनना है, ना कि आपको नौकर बन के काम करना है। यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो देख लेते हैं इसके बारे में। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने इंडिया को फंड दिया है रोड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और एनर्जी वगैरह के लिए। तो कंटेक्स्ट तो कुछ काम का है नहीं, हमारे लिए जो बॉडी है ये इंपोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि AIIB जो बैंक है वो मेनली चाइना बेस्ड है, मतलब चाइना के द्वारा इस बैंक का निर्माण किया गया था, और चाइना अभी तक इस बैंक में मैक्सिमम स्टेक होल्डर है। चाइना के जो स्टेक होल्डर जो शेयर्स हैं वो अप्रोक्सीमेट 26% के आसपास हैं इस बैंक में। तो वो इतना डाटा याद नहीं रखना आपको, बट ये याद रखना है कि किस किस को ये लोन वगैरह देता है और कौन कौन सी कंट्रीज को। देखो, एक पहली बात कहती है कि ये इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है ना, एशिया पैसिफिक क्षेत्र वाला, उस क्षेत्र में मेनली डेवलपमेंट के लिए पैसा वो देता है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे कोई सा भी डेवलपमेंट हो। मतलब मेन बात यह है कि भाई इस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि देखो, बात ऐसी है कि जो वर्ल्ड बैंक है या IMF जैसे इंस्टीट्यूट है ना, वो क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, तो वो वेस्टर्न कंट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ पे फंड ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ना कि जो इधर एशियन वाली कंट्रीज हैं इनको। तो इसीलिए इसी बेस जो वर्ल्ड बैंक और IMF है उन्हीं के तर्ज पे चाइना ने सोचा कि भाई क्यों ना हम यहाँ का एक बैंक बनाए जाए। तो स्टार्टिंग में से $100 बिलियन का फंड है वो बनाया गया था, इसके बाद इस फंड की जितने अमाउंट है वो बढ़ा दी जा रही है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी है, दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के शहर बीजिंग में है, इसकी 84 कंट्रीज मेंबर है, इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। काम काम का जैसे सारे जो एनर्जी हुआ, रोड डेवलपमेंट हुआ, अर्बन डेवलपमेंट हुआ, इनके लिए फंड है वो प्रोवाइड करवाएगा। एक चीज़ में ये ध्यान रखनी है कि इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो मेंबर हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में मतलब है कि जो कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ यूरोप की भी हैं और कुछ एशिया की भी हैं। जैसे यूरोप की कंट्रीज़ एक है मेनली, वो है रूसिया, रूस की, रूस है वो एक्चुअली आपको पता है कि यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, इसलिए वो कंट्री ऐसी है जो कि यूरोशिया के नाम से जानी जाती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, क्योंकि UPSC देखो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकती है कि क्या है ओनली एशियन कंट्रीज़ को फंड देता है, तो ओनली एशियन कंट्रीज़ कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो रूस है वो तो यूरोप में भी आता है। तो वो चीज़ हमें नोट डाउन रखनी है। अगली जो न्यूज़ है वो आई है WCCF के बाद में, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फॉर्म के बारे में। तो देख लेते हैं कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फॉर्म है क्या। देखो, यह मेनली एक तरह का एक फॉर्म है, एक तरीके से मंच, एक तरह से आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हो इसे। इसका काम मेनली है कि जो वर्ल्ड की जो मेन मेन सिटीज़ ना, डिफरेंट सिटीज़ वो अपने अपने एरिया में कुछ स्पेशल हैं, उन सिटीज़ को क्या करता है, अपनी जो वैल्यूज़ है ना, जैसे कि कोई भी सिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई ले लो, तो मुंबई की अपनी कुछ अपनी अलग आइडेंटिटी है, मुंबई की कुछ अपनी अलग पहचान है। तो वो अपने आइडियाज़ हुए, अपने टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजी जो टूल हुए, इसके साथ ही अपने जो नए चैलेंजेस हुए, नई जो अपनी कल्चर्स की वैल्यूज हुई, उन सब के बारे में
बाकी अदर सिटीज़ को बता सके। इसी प्रकार एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अभी कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि मुंबई को इंडिया की, इंडिया आप ही बोल सकते हो कि मुंबई को इसमें इस जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम है इसके अंदर ऐड किया गया है इस सिटीज़ की जो लिस्ट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की पहली ऐसी सिटी बनी है मुंबई जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी पूछ सकती है कि WCCF का रिसेंटली है उसमें मुंबई को ऐड किया गया है, नहीं किया गया, इंडिया की पहली सिटी है नहीं है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। काम क्या होगा? काम जिसका जिसका मैंने ये बताया कि डिफरेंट जो पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी मेकर्स वगैरह होते हैं क्या करेंगे, अपनी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस है उसको बाकी कंट्रीज के साथ साझा करेंगे, उनके साथ अपने जो भी कंसर्न वगैरह है वो सामने रखेंगे, भाई किस तरीके से आगे क्या काम करना है हमें, फ्यूचर में किस तरीके से हमें समृद्धि लेके आनी है, प्रोस्पेरिटी वगैरह, उन साइड जो पे फोकस है वो किया जाएगा। 2012 में प्लेटफॉर्म या मंच है वो बनाया गया था। अभी तक इसमें 32 सिटीज और इसके मेंबर हैं वो बन चुकी हैं। मुंबई को भी रिसेंटली इसमें ऐड किया गया जो इंडिया की पहली सिटी हो जाती है इसके लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है तुंगभद्रा वाटर कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। कंटेक्स्ट तो एक्चुअली ये था कि तुंगभद्रा जो रिवर है उसके ऊपर वाटर कंजर्वेशन रिजर्व है वो बनाया गया था कर्नाटका के द्वारा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तुंगभद्रा रिवर है क्या? देखो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है, मैं यूपीएससी जो पूछ सकती है ज्योग्राफी के नज़रिए से कि तुंगभद्रा रिवर हो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो तुंगभद्रा है वो कृष्णा नदी की सहायक ट्रिब्यूटरी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कृष्णा रिवर है वो कौन सी साइड गिरती है, ईस्टर्न साइड गिरती है या वेस्टर्न साइड, मतलब अरब सागर में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ये आपको बताना है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन जाता है कि तुंगभद्रा उसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। तो आज आपके लिए तीन क्वेश्चन तो हो गए। सबसे पहला था वो था कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के चेयरमैन कौन है, दूसरा क्वेश्चन तुंगभद्रा रिवर के बारे में है, और तीसरा क्वेश्चन भी तुंगभद्रा रिवर के बारे में। तो जो वाटर कंजर्वेशन रिजर्व है, वाटर का मतलब होता है उदबिलाव, तो वाटर कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो 2016 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? इसीलिए बनाया गया था भाई ताकि वोटर्स की संख्या है उसको ढंग से, मतलब उसमें गिरावट आ रही थी तो उसको सही ढंग से कंटिन्यू मेंटेन करके रखा जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तुंगभद्रा रिवर है वो हम्पी से, हम्पी के पास से गुजरती है। हम्पी आपको पता है कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है, एक सिटी है जो हमें ध्यान रखनी है, विजयनगर साम्राज्य के नाम से ये काफी पॉपुलर थी उस टाइम की। इसके साथ ही बात है कि जो ऑटर है, जो उदबिलाव है, वो मेनली IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में आता है। तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई जो ऑटर है वो इंडेमिक स्पीसीज है या नहीं है। तो ऑटर इंडेमिक स्पीसीज नहीं है, इंडिया में है, पूरे इंडिया में ऑल ओवर फैली हुई है। तो ये चीज भी हमें यहां पर ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वह ये नेशनल साइंस डे के बारे में। तो देखो कल था, मतलब 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे था, तो उसी के मौके पर नेशनल साइंस डे को मनाया गया था। तो देखो इस बार की थीम क्या है और क्यों उस दिन मनाया गया वो भी हम देख लेते हैं। तो इस बार की थीम थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो थीम तो थी ये। अब देखो बात ऐसी है कि जो रमन साहब हमारे जो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, उन्होंने 1928 मतलब 1928 के अंदर उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव क्या था? इसमें यह था कि भाई कोई भी जो लाइट है, लाइट वेव है, उसको अगर किसी लिक्विड से, ये लिक्विड है, अगर इस लिक्विड से कोई भी इस लाइट को अगर क्रॉस किया जाता है तो लाइट क्रॉस करने के बाद इसकी जो वेवलेंथ है ना लाइट की, वो जो वापस कंफ्यूज होकर देखते हैं कि जैसे कोई भी ये लिक्विड है, अगर किसी भी लिक्विड से अगर लाइट को क्रॉस किया जाता है तो उसके बाद लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इस लाइट की वेवलेंथ में जो चेंजेस आते हैं इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे लिक्विड था उसकी कैसी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये था रमन इफेक्ट। तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है भी क्या था रमन इफेक्ट। और जो रमन इफेक्ट था वो था 1928 में इफेक्ट जनरेट किया गया था, वो कब? 28 फरवरी के दिन ही। तो उसी के बाद इसी मौके पे साइंस डे है वो इंडिया में 28 फरवरी को मनाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि 1928 में रमन इफेक्ट खोजा गया था और 1930 में इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज है वो मिला था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है रमन साहब को कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज है वो कब मिला था, 1930 में। तो उसके बाद ही नेशनल साइंस डे वगैरह वो मनाया जाता है। तो ये था कंटेक्स्ट और जो न्यूज़ थी वो हमने देखा रमन इफेक्ट के बारे में हमने देखा। अब चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज़ है वो है 4G नेटवर्क के बारे में कि 4G नेटवर्क है वो चंद्रमा पे भी स्टेबलाइज करने की बात है। अभी बात की जा रही है, स्टेबलाइज नहीं हुआ है। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि वोडाफोन है वो प्लान कर रहा है कि भाई 2019 तक नोकिया जो कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पहला एक ऐसा प्राइवेट फंडेड मून लैंडिंग मिशन है वो चलाया जाएगा। तो उसको लेके न्यूज़ आई है। तो हमें बस पूछ सकते हैं, मैं भी UPSC तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे।
आगे देखो दो तीन जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीपी सीपीसीबी के बारे में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो मैं आपको तीन स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि सीपीसीबी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि सीपीसीबी है वो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स हैं उनके साथ मिलकर उनको टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह है वो प्रोवाइड करता है। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें 6 गैसें शामिल हैं। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो खैर मैं आपको बता दूं कि इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो एक स्टेचुरी बॉडी है और यह स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ मिलकर काम करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह हुआ या फिर टेक्नोलॉजी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। बट थर्ड स्टेटमेंट आधा गलत था। थर्ड स्टेटमेंट ये बोला था मैंने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है और इसमें 6 गैसें शामिल हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही जारी करता है, बट इसमें जो गैसों की संख्या है वो 8 है। कौन कौन सी 8 गैसेज हैं वो आप देख लो, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। सबसे पहली बात है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरी आती है लेड सीसा, चौथी आती है ओजोन, पांचवी आती है PM10 और छठी आती है PM2.5 और सातवीं आती होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और आठवीं आती होती है NH3 अमोनिया। यहाँ पे एक चीज़ हमें ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार UPSC घुमा फिरा के पूछ लेती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि आजकल एक वर्ड न्यूज़ में था, वो था वायरल लोडेड टेस्टिंग। तो वायरल लोडेड टेस्टिंग वो किससे रिलेटेड है, क्या यह कोई मतलब कोई डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड है, किस तरीके से आपको बताना है। तो खैर चलो बता देता हूँ, वायरल लोडेड टेस्टिंग है वो मेनली HIV पेशेंट्स के लिए है। देखो HIV पेशेंट में क्या होता है कि बॉडी के अंदर HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है वो बॉडी में इंटर कर जाता है और उसके बाद क्या होता है बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उसी के तहत इसका निर्माण किया गया है इस टेस्टिंग का कि भाई बॉडी के अंदर HIV का कितना इफेक्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा, कितनी कौन से लेवल पर HIV का इफेक्ट फैलता जा रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए वायरल जो लोड टेस्टिंग है इसका निर्माण, ये वायरल लोड टेस्टिंग है ये यूज़ की जाती है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई क्यों ना सभी जो लोग हैं उनके लिए फ्री कर दिया जाइए ताकि पता चले कि भाई पेशेंट की हालत कैसी वगैरह क्या है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशंस में है कौन सी में है। तो मैं लिए वायरस का जो लेवल है उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ है वो किया जाता है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटी सी यहाँ पे आ जाती है कि जो एंटीवायरल जो एंट्री रिट्रोवायरल जो थेरेपी होती है ERT से बोलते हैं वो मैनली एड्स HIV के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें होता क्या है ERT टेक्नोलॉजी थेरेपी में, थेरेपी में ये होता है कि भाई पेशेंट है उसको जितना भी HIV का इफेक्ट है उसको वहीं पे रखा जाता है, खत्म नहीं होती इसमें। इसमें कि भाई पेशेंट की बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल 50 वायरस, तो 50 वायरस ही रहेंगे उनको खत्म नहीं किया जा सकता, बस वो वहीं पे उनकी ग्रोथ वो रोक दी जाती है। इसमें ग्रोथ को केवल रोका जाता है कि आगे ना बढ़े, बाकी इसमें उनको खत्म नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने की UPSC पूछ दे देती है कि स्टेटमेंट की ERT के तहत वायरस जो HIV वायरस को खत्म किया जाता है वगैरह, तो नहीं खत्म नहीं होता, केवल उसकी ग्रोथ है उसको रोक दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज़ थी उसको मैं डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, NSDC के बारे में। तो देखो NSDC है वो मेनली हमारे इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है। कौन सी मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री का देख लेते हैं, वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की। अब इसमें होगा क्या, नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि भाई स्किल डेवलपमेंट वगैरह कुछ काम करना है। हाँ तो जी बिल्कुल ही, ये स्किल वगैरह प्रोवाइड करता है, ये अच्छी बात है। इसके बाद में बात आती है कि कंटेक्स्ट एक्चुअली ये था कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी हेल्प से अभी मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो खोला गया था एविएशन मिनिस्ट्री के, मतलब एविएशन सेक्टर में बात चलती थी कि जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसमें आपको पता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ फंड मिलता है उन सभी जो मैन एरियाज होते हैं उनको। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो फंड मिल रहा है उस फंड का यूज है वो वहाँ पे यूथ को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत जो पैसा वगैरह है उसको यूज किया जाएगा ताकि सिविल एविएशन जो है एरिया है इसके तहत यूथ वगैरह को स्किल है वो प्रोवाइड की जाएंगे। तो मेनली इसमें 2360 जो यूथ हैं ट्रेनिंग है उनको दी जाएगी लगभग 3 साल में। तो इसको लेके यह है कि भाई एविएशन मिनिस्ट्री भी इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है ताकि ट्रेनिंग वगैरह है वो एक तरीके से स्टूडेंट को काफ़ी सारे सेक्टर में आगे मतलब स्किल प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। ये कंटेक्स्ट था। MSDC हमने देख लिया कि मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जिसका काम क्या होगा, स्किल देना है किसकी हेल्प से, NSDC की हेल्प से। क्यों, क्योंकि भाई काफ़ी सारा हमारे देश में स्किल के प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसके साथ एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के तहत। ये थी न्यूज़ वगैरह जो हमने डिस्कस की। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।